तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को C++ में। तो देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऊब, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस यूजिंग ऊब, कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम में क्यों यूज़ करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एक क्लास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ऊब में, उसको देखेंगे, उसके सिंटैक्स को देखेंगे, और ऑब्जेक्ट किस तरीके से वर्क करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हम देखते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ऊब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। द बेसिक मेथोडोलॉजी इन विच वी डिज़ाइन कोड यूजिंग क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं। द गोल ऑफ प्रोग्रामिंग, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। द गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ टू क्रिएट रिलायबल रीयूजबल एंड एक्सटेंडेबल। इससे हमें रिलायबल रीयूजबल और एक्सटेंडेबल सिस्टम मिलता है जब हम C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। ऊप क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड टू मेक प्रोग्राम मोर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। इससे हम प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। जो चीज़ हम यूज़र से हाइड करना चाह रहे हैं वो हाइड कर सकते हैं, जिस तक हम उसको एक्सेस देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, और जिसको हम चाह रहे हैं कि ये सिक्योर रहे, यूज़र इसको एक्सेस ना कर सके, उसको हम सिक्योर भी कर सकते हैं, उसको हम सिक्योर कर सकते हैं कि यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके और उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके। अब यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस को देख लेते हैं। इट प्रोवाइड डाटा हाइडिंग, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा को हम हाइड कर सकते हैं इसके अंदर। जो डाटा हम प्रोग्राम में यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं वो यूज़र को हम दिखा सकते हैं, और जिसको हाइड करना चाह रहे हैं उसको हम हाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनकैप्सुलेशन मतलब डाटा को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं एक ही जगह पे, एक ही क्लास के अंदर हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड उसमें हम फंक्शंस को बना सकते हैं, डाटा मेंबर्स को बना सकते हैं। एक ही सेल के अंदर हम हर चीज़ को, फंक्शंस को, और जो उसके डाटा मेंबर्स होते हैं, जो उसकी वर्किंग होती है, उसको हम एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से जो डाटा हम यूज़र से के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम उसे नहीं दिखाएंगे, और जो जो डाटा नेसेसरी है, अननेसेसरी डाटा एब्स्ट्रैक्शन में नहीं दिखेगा। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये पूरे टॉपिक्स हैं और इनको आगे जाके हम कवर करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली ये होता है कि जो अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं उनको हम हाइड कर देते हैं, और इनकैप्सुलेशन में हम डाटा को एक कैप्सूल के अंदर हम जैसे हर चीज़ को वहाँ पर ऐड कर देते हैं, और एक यूनिट के अंदर हम उसको लिख देते हैं। और डाटा हाइडिंग बता दिया, और इट प्रोवाइड कोड मेंटेनेंस, इससे कोड मेंटेन भी बहुत अच्छा रहता है। मेन में हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और मेन में बस उनको कॉल करके उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाती है और प्रोग्राम दिखने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। अब क्लास के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग के थ्रू अगले प्रोग्राम्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी हम इनको अंडरस्टैंड ही करेंगे सिर्फ कि ये कैसे वर्क करते हैं। क्लास के यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, हम डबल यूज़ कर रहे थे, वो पहले से C++ की लाइब्रेरी में डिफाइन थी, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से हम जिनको खुद डिफाइन कर सकते हैं। ये एक डाटा स्ट्रक्चर भी हैं, जैसे कि हमने अरेज़ को पढ़ा था, अरे डाटा स्ट्रक्चर थे, तो ये एक तरह से डाटा स्ट्रक्चर भी हैं। और बेसिक यूनिट ऑफ ऊप, ये बेसिक यूनिट ऑफ ऊप है, मतलब ऊप इसके बगैर तो मतलब वर्क ही नहीं करता। ऊप का बेसिक यूनिट ही, जहाँ पर भी आप देखेंगे क्लासेस का यूज़ होगा, हर जगह ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का यूज़ होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड डाटा मेंबर्स, अब ये क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन है, एक इंसान है, तो डाटा मेंबर्स उसके ये होंगे कि डाटा मेंबर्स उसकी एज होगी, उसका नेम होगा, और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो वॉक कर सकता है, वो चल सकता है, वो सांस लेना एक उसकी मतलब फंक्शनैलिटी हो गई, कुछ भी मतलब जो वर्क कर रहा है वो उसकी फंक्शनैलिटी है, और डाटा मेंबर्स उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इनसे मिलकर
हमारे पास मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी फंक्शन से मिलकर, किसी चीज़ की फंक्शनैलिटी और उसके डाटा मेंबर से मिलकर हमारे पास एक क्लास बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट और क्लास को एक साथ ही मैं आपको डिफाइन करूँगा। ये पहले ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टेट वेल डिफाइंड बिहेवियर एंड यूनिक एंटिटी। ये कोई भी चीज़ हमारे जो आसपास है, कोई भी यूनिक एंटिटी या कोई भी यूनिक बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एज वी क्रिएट अ मेंबर ऑफ क्लास नेम एज, वी कैन असेस देम बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड असेस देम। अब जैसे कि एक जैसे मोबाइल की एग्जांपल है, मोबाइल क्या कर सकता है, मोबाइल से हम अब मोबाइल जैसे मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने एक बनाया मोबाइल नाम का। अब वो मोबाइल के फंक्शंस भी होंगे, जैसे कि ह्यूमन की भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कंप्यूटर की भी ले सकते हैं, किसी चीज़ की भी, और उसकी कुछ डाटा मेंबर्स भी होंगे। तो डाटा मेंबर्स उसके क्या होंगे, उसका नेम क्या होगा, उसका मॉडल क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, ये उसके सबके डाटा मेंबर्स होंगे उस ऑब्जेक्ट के, यानी कि मोबाइल जो ऑब्जेक्ट है ये, और उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी कि उससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम उससे कर सकते हैं, हम ईमेल हम उससे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ जो हैं मोबाइल में होती हैं। तो ये फंक्शनैलिटीज़ जो हैं ये क्लासेस में डिफ़ाइन होती हैं। एक ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता कि ये फंक्शनैलिटी उसकी है या नहीं है। ये क्लासेस में ये फंक्शनैलिटीज़, मतलब मोबाइल, अब जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है मेन में प्रोग्राम में, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें मोबाइल को या यूज़र जो होता है, जो प्रोग्रामर है, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो यूज़ कर सकता है उसको। और वो डिफ़ाइन कहाँ होंगी, वो डिफ़ाइन होंगी क्लासेस में। हम जब क्लासेस को डिफ़ाइन करते हैं तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट उसका बना देते हैं तो मेमोरी एलोकेशन भी होती है, और हम उनको रियल, मतलब जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या जो डाटा मेंबर्स हैं उनको रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं, यानी कि मेन में। प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमें उनको मेन में लाने के लिए ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे चारों टॉपिक्स हैं जो कवर हो गए। नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके प्रोग्राम भी करेंगे और प्रैक्टिकली इनको देखेंगे भी कि ये कैसे वर्क करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।